नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ऊपर वाले के दया से अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो महादेव में। मित्रों, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुदरत कौन से देते हैं वो आपको 10 संकेत, जिसे अच्छे दिन आने का संकेत माना जाता है, जिसे माना जाता है कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। उन संकेतों को देख कर आप समझ सकते हैं। मित्रों, अक्सर आप सबने अपने बदनसीबी होने का रोना रोते लोगों को देखा होगा। सभी का यह सोचना होता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भाग्यशाली होने का सौभाग्य मिला है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ कड़ी मेहनत करने से ही मिलता है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जिंदगी में हर चीज़ के लिए किस्मत का बलवान होना जरूरी समझते हैं, किस्मत का साथ देना जरूरी समझते हैं। भारतीय होने के नाते हम लोगों का अपने शास्त्रों पर कुछ ज़्यादा ही यकीन होता है। आज हम आपके लिए शास्त्रों के अंदर वर्णित चुनिंदा ऐसे संकेत लेकर आए हैं जो अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में रौनक आने वाली है। ये सभी सिंबल गुड लक के साइन माने जाते हैं। अब बिना इंतज़ार किए आपको बताते हैं वो 10 संकेत। मित्रों, आप सब ने सफ़ेद गाय तो देखी होगी, कहीं लाल गाय तो कहीं सफ़ेद गाय। तो सफ़ेद गाय का बहुत महत्व होता है सनातन धर्म में। सनातन धर्मियों की गौ माता है, जिसे लोग केवल राजनीति मुद्दा ही समझते होंगे कुछ लोगों के लिए। उन्हें हम बता दें, यह आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रतीक है। अब अगली बार जब भी आपके खेत में या गार्डन में गाय आकर चरने लग जाए तो समझ जाइए कि ये साक्षात लक्ष्मी जी ने संदेश भेजा है आपके अच्छे दिन आने के। मित्रों, हम सब मंदिर में या ऐसे भी नारियल खाते हैं, देखते हैं, लेकिन नारियल को वैसे भी भारतीय सामाजिक परंपरा में शुभ माना जाता है। हर पूजा पाठ में नारियल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये भी जान लो, अगली बार जब भी आपको कभी सुबह उठते ही आपको श्रीफल के दर्शन हो जाए, यानी नारियल के दर्शन हो जाए आपको सुबह जगते ही, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं मित्रों, यात्रा के दौरान मिलने वाले कुछ संकेत ऐसे होते हैं। मित्रों, जब भी कभी भी हम यात्रा करते समय अपनी दाई ओर कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास आने वाले धन के संकेत आपको दे रहे हैं, जिससे आपको ये सब देखने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि आपको धन प्राप्ति की योग बन रहे हैं। वहीं सुनहरा सांप अगर रात में आपको सोते समय सपने में सफ़ेद या सुनहरा रंग का सांप नज़र आ जाए तो ये भी भाग्य खुलने वाली किस्मत का इशारा होता है। माना जाता है सपने में सुनहरे सांप या सफ़ेद सांप का देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं मित्रों, दूध से बना उत्पाद, यदि आपको सुबह सुबह उठते ही दही और दूध जैसे पदार्थ का दिखाई देना भी अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आपकी आने वाली जिंदगी में अच्छी किस्मत का संकेत हो रहा है। मित्रों, आपको सुबह उठते ही आपको सुबह के समय यदि आपके आसपास किसी मंदिर से संग घंटियां या मधुर भजन की आवाज़ सुनाई दे तो ये भी शास्त्रों में माना जाता है कि आने वाले अच्छे भाग्य का संकेत है। मित्रों, शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगी में किसी पंछी ने बीट की हो, और अगर की भी है तो लोग झल्ला जाते हैं, यानी गुस्सा होकर उस पंछी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। पर आपको बता दें, यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। पंछियों का आप पर बीट करना धन प्राप्ति की योग बनते हैं, वह आपकी किस्मत बदलने वाली है ऐसा माना जाता है। वहीं मकड़ी का जाल, शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा लेकिन गुस्सा मत होइए, हमें भी पता है मकड़ी के जाले का घर पर पाया जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मकड़ी का जाला घर में नहीं होना चाहिए। अब काम की बात यह है कि अगली बार कोई भी जाला आपको दिखाई दे मकड़ी का और उसमें आपको अपने नाम का पहला अक्षर बना हुआ नज़र आ जाए, यदि आपका नाम ए से, एस से या जिस भी अक्षर से शुरू होता है वो आपके मकड़ी के जाले में दिख जाए तो ये आपको वह भी संकेत शुभ माना जाता है। ये आपके लिए एक बेहतर संकेत है जिसे आपकी किस्मत बदलने का संकेत माना जा सकता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं,
टूटते तारे का नजर आना हमारी मनोकामनाएं पूर्ति की योग बनते हैं। इस संकेत को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। पूर्वज कहते हैं, टूटते तारे से जो भी मांगो आपको आने वाले 30 दिन में वो बातें सच हो जाता है। इसलिए आपको जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना होगा कि बाद में आपको उस चीज पर पछतावा ना हो। मित्रों, गलती से क्या आपने कभी उल्टे कपड़े पहने हैं? शायद पहने होंगे तो आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। जब भी हम कहीं भी जाने वाले होते हैं, हमें जल्दी होती है तो हम जल्दबाजी में कभी कभी कपड़े उल्टे पहन लेते हैं और जब देखते हैं तो अपना पूरा गुस्सा खुद पर ही निकालने लग जाते हैं। मित्रों, आपको बता दें, भविष्य में यदि आपके साथ ऐसा दोबारा होता है तो आपके साथ वो तो समझ लेना मामला गुस्से का नहीं, खुश होने का है। उल्टे कपड़े पहन लेना भी आपको आने वाली समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि आपको सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। वहीं मित्रों, शुभ चीजों का मिलना। जी हाँ, अगर आपको रास्ते में कहीं घोड़े का नाल, चार पत्तियों वाली घास या कोई सिक्का मिल जाए तो ये आपके लिए एक चमत्कार हो सकता है। जी हाँ, उसे संभाल कर अपने पास रख लेना और आप किसी को मत बताना। यह भी आने वाले भाग्य के निर्देशक होते हैं कि आपका अच्छा भाग्य शुरू होने वाला है, आपको मनचाहा फल मिल सकता है। वहीं कुत्तों का घर पर रहने आना। कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए छत की तलाश में आए, बाहरी कुत्ता हो चाहे कैसा भी कुत्ता हो, अगर आपके घर पर आए, यह भी भविष्य में आने वाले धन का संकेत होता है। वही मित्र झिंगुर। झिंगुर से आप नहीं समझ सकते शायद, आपको शायद पता नहीं होगा, झिंगुर हमें भी संकेत देते हैं। जी हाँ, नाम पढ़ते ही आपको हंसी आई होगी, सुनते ही आपको हंसी आई होगी। तो आपको बता रहे, झिंगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई देना आपके लिए बुरे दिन खत्म होने का संकेत है कि आपके बुरे दिन खत्म हो तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें दिखाई देने पर आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो अगली बार जब भी आपको ये सारी चीजें दिखाई दे तो आपके अच्छे दिन आए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।